सुंदर में विश्व मोहिनी को कौन ले गया? शंकर जी के गण दोनों अगल बगल बैठे थे, वो तो वो व्यंग में बोल ही दिए, नीक दीन हरि सुंदरताई। भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया है आपको, लेकिन आप एक बार थोड़ा शीशे में जरा देख तो लो कितना सुंदर आपको बनाया। निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। आप थोड़ा देख तो लो जाके। अब महाराज जहां उन्होंने, वहां शीशा तो था नहीं, आजकल तो सब जगह शीशा ही शीशा रहता है। उस समय अब लोग तो अब तो साथ में भी रखते हैं शीशा। अब नारद जी जाके जल में अपना मुख देखे, अब देखा तो बंदर का मुख। ओ क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि उन्होंने पहले तो उन दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, जाओ तुमने किसी महात्मा की हंसी की है, दोनों असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ, जैसे दोबारा किसी संत की हंसी नहीं करो। इस समय क्या नारद जी का संत का रूप था क्या? ठीक है, नारद जी संत थे, लेकिन इस समय जो उनका अभिनय था वो तो संत का नहीं था, एक संसारी व्यक्ति का अभिनय था उनका, जो भगवान ने माया को प्रेरित कर दिया था। वो तो भाग गए बेचारे, लेकिन उसके बाद नारद जी की कामना में बाधा पड़ा तो क्रोध की पराकाष्ठा आप देखें। नारद जी ने संकल्प कर दिया, दैहो शाप की मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बस यही कामना में बाधा पड़ गई ना, मेरी हंसी कराई सारे संसार में, अब मैं सीधे वैकुंठ जाऊंगा, उनको शाप दे दूंगा, शाप। और वो भगवान है, हो सकता है मेरा साप स्वीकार न करें, समर्थ है, तो अगर मेरा साप स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हीं के सामने आत्महत्या कर लूंगा। दई हो साप कि मरी हो जाई, हाँ या तो मर जाऊंगा या तो साप दे दूंगा। अब महाराज चले, नारद जी क्रोध में जा रहे, भगवान सोचे इतने क्रोध में वैकुंठ में अगर आ गए तो वैकुंठ की मर्यादा भंग होगी, वैकुंठ में इतना क्रोध संभव नहीं और उचित भी नहीं। भगवान सोचे इनको रास्ते में ही मिल लेते तो ठीक है, रास्ते में आते, अकेले आते, नारद जी को समझाते तो शायद कुछ सांत्वना मिल जाती, लेकिन इतने लीलाधारी हैं ठाकुर जी, साथ में लक्ष्मी जी को भी ले आए। लक्ष्मी जी को लाते तब भी ठीक था, एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ वही राजकुमारी जिसका स्वयंवर हो रहा था रास्ते में ही मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी जी एक तरफ वो राजकुमारी। पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, मानो भगवान नारद जी को दिखा के व्यंग कर रहे कि मैं भले दो विवाह कर लूं, लेकिन तुम्हारा एक भी विवाह होने व्यंग तो यही है ना, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ विश्व मोहिनी। अब नारद जी इस पर देख करके और क्रोध बढ़ गया। अब वो स्थिति आती है मोह की, क्रोध के बाद जो मोह आता है ना, जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, वो स्थिति पूरा ये जो सूत्र है वहां घट जाता है। तो नारद जी अब महाराज इसके बाद भी क्रोध तो बहुत आया, नारद जी तब तक कुछ बोलते कि उसके पहले ही लगता है भगवान की क्या लीला है, पराकाष्ठा कर देते, सीमा पार कर जाते हैं महाराज। उसके बाद बड़े मुस्कराते हैं, वो पूछते हैं, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, आज महाराज बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज, क्या कारण है, क्या समस्या आ गई? समस्या करने वाले स्वयं है, समस्या सामने लिए खड़े हुए और कहते समस्या क्या आ गई, कहाँ जा रहे हैं? बस जहां ये कहा तो क्रोध के बाद जो मोह आया, मोह माने मोह वैचित्य धातु से मोह बनता है, मोह माने जहां व्यक्ति को ये भूल जाए कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, वैचित्य माने किंकर्तव्य विमूह जहां व्यक्ति हो जाता है उसको बोलते हैं मोह। और उस मोह के बाद स्मृति भ्रंश, अपने जो महाराज चेतना है, जो सात्विकता है वो समाप्त हो जाती है, बुद्धि का विनाश हो जाता है। और फिर आप जानते हो क्या किया नारद जी ने, कहा तुम्हारा ये स्वभाव मैं पहले से जानता था, जिन जिन लोगों ने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारा भजन किया, सबको तुमने धोखा दिया, ये तुम्हारा स्वभाव है। असुर सुरा विष संकर ही आप रमा मणिचार, ये क्या कोई भले आदमी का व्यवहार है जो आपने किया समुद्र मंथन में? असुरों को
शराब दे दी हा? और विष निकला तो किसको दे दिया? शंकर जी को। विष निकला तो भोले बाबा देव देव महादेव स्तुति करने लग गए। हाँ, विष के लिए अपने लिए नहीं, और कौस्तु मणि निकली तो अपने ले लिए, लक्ष्मी निकली तो अपने ले लिए। भोले बाबा जैसा आपका कोई भक्त नहीं है, वैष्णवा नाम यथा शंभु लिखा है, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान शिव, और उनको आपने विष पिला दिया। हाँ, ये आपका व्यवहार, आपने सब अपने भक्तों को धोखा दिया है, छल किया है। लेकिन आज सुन लो ध्यान से, आज ऐसे भक्त के पाले पड़े हो कि अपना नहीं सारे भक्तों का बदला एक साथ ले लूंगा आज तुमसे। हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि देवर्षि नारद भगवान के लिए यह शब्द बोल रहे हैं। हाँ, यही नारद जी जिनका सूत्र आप सुन रहे, यही देवर्षि नारद भगवान के लिए ऐसे शब्द बोल सकते हैं, कोई कल्पना कर सकता? इसी का नाम है बुद्धिनाश। बुद्धिनाश तक तो पहुंच जाता है भक्त, बस वही फर्क है, अगर संसारी है तो बुद्धिनाश के बाद प्रणश्यति हो जाएगा। और अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो बुद्धिनाश तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रणश्यति नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है न मे भक्तः प्रणश्यति। हाँ, बस वही बिंदु, वही एक फर्क है। इसलिए हमारे आपके लिए सुविधा है, जहां रहें जैसे रहें, लेकिन ठाकुर से थोड़ा नाता जोड़ के रहे। ठाकुर से नाता जोड़ के रहेंगे तो अगर कभी चाहते न चाहते दुस्संग मिल ही गया, पढ़ ही गए, तो बुद्धि नाश तक जा सकता है, लेकिन प्रणश्यति तक नहीं जा सकता है, जैसे नारद जी नहीं जा सके। हाँ, भगवान को शाप दे रहे, भगवान को शाप दे ही दिया। तुमने जो रूप धारण करके मेरे को ठगा, ये रूप तुमको लेना पड़ेगा, मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। पहला शाप, दूसरा शाप, बोले तुमने हमको बंदर का रूप दिया, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तीसरा शाप, तुमने हमको अरा विवाह नहीं होने दिया, तो पत्नी के वियोग में तुमको भी जंगल जंगल रोते हुए भटकना पड़ेगा। तीन शाप भगवान को दे दिए। लेकिन आप जानते हैं देवर्षि नारद के साथ ये भगवान की लीला थी, उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, भगवान की माया ही विश्व मोहिनी बनी हुई थी, तो भगवान संभाले हुए थे। आखिरकार तो भक्त थे, आखिरकार तो संत थे, तो संत का ऐसा स्वभाव होता है, पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते हैं, वो ऐसी धातु का बना होता है कि वो चाह करके भी किसी को शाप दे नहीं पाता, उसे दिया नहीं जाता है। बोले वो कैसे? बोले तीनों शापों को जरा विचार से देखो, ये शाप है या वरदान है। देवर्षि नारद इतने क्रोध में शाप दे रहे हैं, पराकाष्ठा का क्रोध है, मोह है, स्मृति भ्रंश है, बुद्धिनाश है, सब कुछ हो चुका है, और पराकाष्ठा में शाप दे रहे हैं। लेकिन पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज जो उनकी जो व्याख्या किया, हाँ, बड़े आश्चर्य, बोले भगवान को तो अवतार लेके आना ही था, अवतार लेने की तो भूमिका ही बना रहे थे, तो शाप क्या दे रहे हैं? बोले जो रूप धारण करके मेरे को ठगा है, यही रूप धारण करना पड़े। सर्वश्रेष्ठ राजकुमार का रूप बनाया था विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाने के लिए, अगर ये देते कि तुम किसी गरीब घर में जन्म लोगे, कुरूप हो जाओगे, तब तो शाप होता। सर्वश्रेष्ठ राजकुमार बन करके आओगे, ये शाप है कि वरदान है? भाई क्या है, बोलिए, वरदान है। और दूसरा शाप क्या दिया? कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहे ही केस सहाय तुम्हारी। तुमने हमको बंदर बना दिया, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ये कैसा साफ हुआ भाई? वो बोल सकते थे तुमने हमको बंदर बनाया तो बंदर तुमको परेशान करेंगे, काटेंगे, तब तो साफ होता, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये साफ कैसे हुआ भाई? ये तो वरदान हो गया। और तीसरा साफ, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तो नारी विरह तुम हो भी दुखारी। तो रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, पत्नी के वियोग में दुखी तो तभी व्यक्ति होगा ना कि जब पहले विवाह होगा। विवाह नहीं होगा तो वियोग कैसे होगा? अगर वो शाप देते तो ये देना चाहिए था कि राजकुमार बन के आओगे, और मेरा तुमने विवाह नहीं होने दिया तो तुम्हारा भी जीवन भर विवाह नहीं होगा, तब तो साफ होता।
बोले पत्नी के वियोग में दुखी हो गए, मतलब विवाह होने का वरदान तो पहले ही आ गया ना कि विवाह होगा तुम्हारा। हाँ भले रोना पड़ेगा, तो रोना तो सबको ही पड़ता है, तो कोई भगवान के लिए नई चीज तो नहीं है, और आप लोग हंस रहे हैं इसका प्रमाण है कि शायद वो सही है। तो कहने का अर्थ क्या है, तो उन्होंने शाप कहां दिया, रोना पड़ेगा तो रोना तो पड़ेगा ही। और भगवान इसीलिए इतना रोए महाराज, नारद जी के शाप के कारण रोए थे, वास्तव में इतना नहीं रोए, क्योंकि जब वो पंपा सरोवर में बैठे हैं, जब देख लिया कि अब कोई नहीं देख रहा है, खाली लक्ष्मण जी और राम जी हैं, तो वहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुजसन कथा रसाला, बड़े प्रसन्नता में बैठे। अरे ना तो अभी जानकी जी मिली, न जानकी जी की खबर मिली है, तो अभी तो इतना रो रहे थे, अब प्रसन्न कैसे हो गए भाई, परम प्रसन्न लिखा है, और बड़ी सुंदर कथाएं कह रहे, लक्ष्मण जी को कथाएं सुना रहे। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, जैसे अभिनेता जब रंग मंच पर आता है तो रोता है, और पर्दे के पीछे जाते ही खूब हंसता है। हाँ, क्या मैंने अभिनय किया कि सारे दर्शकों को रुला दिया? अभिनय तो ऐसा था कि लक्ष्मण जी भी रो रहे थे, जंगल रो रहा था, सारे लोग रो रहे थे। तो महाराज लक्ष्मण जी से बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, और अगर आप वो अर्धाली देखें जहां ये लिखी है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुजसन कथा रसाला, उसी समय देवर्षि नारद आ रहे थे, क्योंकि भगवान रो रहे। नारद जी को लग रहा है कि मैंने शाप दिया था कि पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, तो मेरे कारण भगवान को रोना पड़ रहा है, तो मैं जरा चलूं तो सही। तो नारद जी जैसे आते दिखाई दे, भगवान तो कथा में इतने डूबे हुए हैं कि उन्होंने नहीं देखा कि नारद जी आ रहे, लक्ष्मण जी ने देखा कि नारद जी आ रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु देवर्षि नारद आ रहे, फिर रोने लग गए। बिरहवंत भगवंत ही देखी, अगली पंक्ति आप रामचरितमानस में उठा के देखे, बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मनभा शोक विशेखी। बिरहवंत, अरे अभी तो बड़े हंस हंस के कथा कह रहे थे, अब क्यों रोने लग गए? लक्ष्मण जी को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या लीला है। क्यों, अगर अब नहीं रोते नारद जी के आने के बाद, तो नारद जी को लाना देने का मौका मिल ही जाता। मैंने तो पहले ही कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर काहु, आप चाहो तो साफ स्वीकार करो, चाहो तो मत करो। नारद जी ने कहा था कि रोना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे सामने रो रहा हूं। फिर भगवान नारद ने बहुत स्तुति की, विनय की, और भगवान अभिनय में जब शांत हो गए, तो नारद जी ने पूछा, महाराज आप मेरा विवाह नहीं होने दिए, मैंने इतनी प्रार्थना की, आपसे सहयोग मांगा, और वो न होने के कारण मेरे को शाप निकल गया आपके लिए, आपको रोना पड़ रहा है, जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है, तो आप मेरा विवाह हो जाने देते तो आपको क्यों रोना पड़ता, मैं भी ठीक रहता, आप भी ठीक रहते। भगवान मुस्कराए, नारद मैं तो नाटक में रो रहा हूं, तुमको सच्चाई में रोना पड़ता, इसलिए मैं नहीं होने दुआ। मैं तो नाटक में रो रहा हूं, अभिनय में रो रहा हूं। सुन मुन तो ही कहूं सहरोसा, भज ही जे मोहित जी सकल भरोसा, सदा करो तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। हाँ, माँ जैसे बालक का ध्यान रखती, कौन ऐसा ठाकुर होगा, किस संप्रदाय का ऐसा भगवान होगा, जो स्वयं रुदन स्वीकार करके, स्वयं पत्नी का वियोग स्वीकार करके अपने भक्त की रक्षा करता है। तो कहा, फिर प्रसंग पे आ जाए, किसी कारण से अगर हमारे जीवन में दुष्संग आ गया, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश भी आ गया, तो बस उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम ईश्वर से जुड़े हैं, उसके बाद आया तो प्रणश्यति तक नहीं पहुंचेगा, वहां भगवान रोक लेंगे। नमे भक्तः प्रणश्यति, वहां रोक लेगा। और अगर नहीं जुड़े हैं तो प्रणश्यति तक पहुंच जाएगा। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए दुस्संग से। बोले क्यों? बोले देखो, अच्छाई बुराई सबके अंदर रहती है। अगले सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं, तरंगायिता अपीमे संगात समुद्रायंती, तरंगायिता, तरंग इव प्रतीयन्ते इति तरंगायिता।
समुद्र इव दृश्यन्ते इति समुद्रायन्ति। बोले जो तरंग की तरह प्रतीत हो उसको बोलते हैं तरंगायित, और समुद्र के जैसे प्रतीत होने जाए उसको बोलते हैं समुद्रायन्ति। बोले अभिप्राय क्या हुआ? अच्छे बुरे संस्कार सबके चित्त में रहते क्यों? क्योंकि ये जो शरीर बना है ना, ये प्रकृति का परिणाम है। ये शरीर, स्थूल शरीर भी, और ये जो अच्छे बुरे संस्कार होते हैं चित्त में कहें, मन में कहें, बुद्धि में कहें, जिसमें कहें, अंतःकरण में, अंतःकरण भी किससे बना है भाई? प्रकृति से। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों प्रकृति के परिणाम है। और प्रकृति किसको बोलते हैं? सत्व रज तम की साम्यावस्था का नाम है प्रकृति। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों जब साम्यावस्था में रहते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकृति। और भगवान अपनी काल शक्ति से उस प्रकृति में जब क्षोभ करते हैं तो संसार की सृष्टि होती। अभिप्राय, प्रकृति के द्वारा जो भी बनेगा उसमें कम ज्यादा रूप में तीनों गुण हमेशा रहेंगे। मटेरियल वही है ना, मटेरियल जो है वो तो रहेगा ना, कम ज्यादा हो सकता है, सफाई हो सकती है, घिसाई हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। जो बर्तन जिस मेटल से बना है वो उसमें रहेगा मेटल, आप कितना भी साफ करें। तो इसलिए लिखा है ये अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में अच्छे बुरे संस्कार सबके चित्त में रहते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि अगर अच्छा संग करोगे तो अच्छे वाले संस्कार जागृत होकर के तुमको अच्छे रास्ते में आगे बढ़ा देंगे, और गलत संग करोगे तो गलत संस्कार जागृत हो जाएंगे। भाई जो बीज पड़ा है, अच्छे बीज को खाद पानी मिल जाएगा तो अच्छा बीज पौधा बन के निकल आएगा, और गलत बीज को अगर खाद पानी मिल गया, खाद पानी माने संग, गलत बीज को अगर खाद पानी मिल गया तो वो जग जाएगा। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं अगर देवर्षि नारद के जीवन में अभिमान इत्यादि आ सकता है, जिनके भक्ति सूत्र हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में यदा कदा अगर दोषों का आगमन हो सकता है तो यह संकेत क्या करता है? यह संकेत यही करता है कि अंतःकरण प्रकृति का परिणाम है, और इसमें अच्छे बुरे संस्कार कम ज्यादा रूप में हमेशा रहते। इसलिए उनको खाद पानी मत दो, खराब बीजों को उनको बीजावस्था में ही रहने दो, अच्छे बीजों को खाद पानी दो, तो तुम्हारे जीवन में गलत संस्कार वृक्ष